हेलो व्यूवर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कॉइन नॉलेज में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो 2 रुपीज़ कॉइन के ऊपर जो जारी हुए थे 1992 से लेकर 2004 तक। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने पहले से लाइक किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भारत में 3 मिनटों में जारी हुए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। आप देख सकते हैं इससे जो पहले चलते थे वो कॉइन भी है 2005 और 6। तो आप देख सकते हैं जो रेयर है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जो जो बॉम्बे मिंट का है कॉइन 2004 का, उसकी प्राइस है 10 रुपये से लेकर 25 रुपये तक UNC कंडीशन। और जो हैदराबाद मिंट का आपको कम से कम प्राइस दे सकता है स्टार मिंट मार्क 20 रुपये से 50 रुपये तक दे सकता है। जो रेयर है इसमें वो है कलकत्ता मिंट मार्क बट नो मिंट मार्क, का मतलब है कि उस पर कोई मिंट नहीं होगा, कोई मिंट उसके छपा नहीं होगा 2004 के कॉइन के ऊपर। ऐसे ही आप मिंट देख रहे हैं उस पर छपा नहीं, कोई मिंट मार्क नहीं होगा ईयर के नीचे। वो रेयर कॉइन है, उसकी प्राइस कम से कम आपको मिलेगी 200 रुपये लेकर कम से कम UNC कंडीशन 750 रुपये तक आपको मिलेंगे, 750 रुपये इस एक कॉइन के आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं भारत इंडिया लिखा है, बीच में सत्यमेव जयते शोक स्तंभ और नीचे अंकों में 2 लिखा हुआ है। बैक साइड में मानचित्र बना हुआ है और बीच में झंडा है, राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रेशन लिखा हुआ है और ईयर बना हुआ है। और हमें जो चाहिए 2004 का सिक्का चाहिए कलकत्ता मिंट का, वो रेयर है, आप अपने कलेक्शन में भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास काफ़ी संख्या में है तो आप को ऑनलाइन वो सेल हो जाएंगे, इंडिया मार्ट में सेल हो जाते हैं, स्नैपडील में सेल हो जाते हैं, क्विकर में सेल कर सकते हैं आप। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।